दोस्तों आईपीएल 2022 का छठवा मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। यह मुकाबला 30 मार्च को शाम 7:30 बजे से मुंबई के डी बाय पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ होगी फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली आरसीबी, जिसे अपने पहले मैच में पंजाब से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी, वह इस मैच में वापसी के इरादे से उतरेगी। जबकि दूसरी तरफ होगी केकेआर, जिसके हौसले डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद बुलंद हैं और वे आरसीबी से भिड़ेगी। इस वीडियो में हम आरसीबी और केकेआर दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं। किन बदलावों के साथ इस मैच में उतरेंगे दोनों टीमें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं इस मैच का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको आईपीएल के मैचों की 100% मैच प्रेडिक्शन और फिक्स रिपोर्ट चाहिए, तो आप शहनवाज भाई क्रिकेट प्रेडिक्शन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल 2022 के मैच नंबर 6 के बारे में, जो होगा बेंगलोर और कोलकाता के बीच। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड से। तो दोस्तों अब तक के आईपीएल इतिहास में आरसीबी और केकेआर के बीच टोटल 29 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 16 मैचों में केकेआर को जीत मिली है, तो वहीं आरसीबी 13 मैच जीतने में कामयाब रही है। वैसे तो केकेआर आरसीबी पर हावी रही है, लेकिन 2019 से देखें तो आंकड़े बदले हैं। 2019 से आरसीबी और केकेआर का रिकॉर्ड 4-3 का रहा है। आखिरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मैच में हुई थी, जहाँ केकेआर ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर आईपीएल 2021 से बाहर कर दिया था। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि दोनों टीमें इस बार नए कप्तान और नए स्क्वाड के साथ बढ़ेंगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मुकाबले के लिए आरसीबी और केकेआर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो आरसीबी के लिए इस मैच में भी फाफ डू प्लेसिस के साथ अनुज रावत ओपनिंग करेंगे। पंजाब के खिलाफ डू प्लेसिस ने 88 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, इस मैच में भी वह बड़ा धमाका कर सकते हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली दिखाई देने वाले हैं, विराट भी पिछले मैच में टच में दिखे थे। 41 रन की नॉट आउट पारी खेली थी कोहली ने पंजाब के खिलाफ। उसके बाद नंबर 4 पर इस मैच में भी ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, तो फिर से दिनेश कार्तिक नंबर 4 पर बैटिंग के लिए उतरेंगे। पंजाब के खिलाफ कार्तिक ने 14 गेंदों पर 32 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। नंबर 5 पर सरफन रदरफोर्ड दिखने वाले हैं, पिछले मैच में इस बल्लेबाज को बैटिंग का मौका नहीं मिल पाया था, इसलिए उनकी जगह पक्की है प्लेइंग 11 में। नंबर 6 पर शाहबाज अहमद और नंबर 7 पर बानिंदु असरंगा उतरेंगे। पंजाब किंग्स के खिलाफ ये दोनों स्पिनर फ्लॉप साबित हुए थे, इस मैच में शानदार गेंदबाजी की उम्मीद दोनों से है। उसके बाद नंबर 8 पर डेविड बिली और नंबर 9 पर हर्षल पटेल होंगे। जोस हेजलवुड और जेसन भेरेंड्रॉप इस मैच में अभी नहीं खेले, इसलिए डेविड बिली के साथ जाना आरसीबी की मजबूरी है। हर्षल पटेल को अपना पिछले सीजन वाला प्रदर्शन दोहराना होगा, तभी आरसीबी जीत पाएगी। वहीं नंबर 10 पर आकाशदीप को बाहर कर सिद्धार्थ कौल को कप्तान डू प्लेसिस मौका दे सकते हैं। सिद्धार्थ कौल एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इसलिए उन्हें खिलाना चाहिए। उसके बाद नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज होंगे। तो दोस्तों इन 11 खिलाड़ियों के साथ आरसीबी केकेआर के खिलाफ मैच में उतरने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इस मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। तो केकेआर के लिए इस मैच में भी ओपन करने की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर पर होगी। अजिंक्य रहाणे ने तो सीएसके के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर फ्लॉप रहे। इस मैच में वेंकटेश अय्यर को बल्ले से अपना जलवा दिखाना होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक बार फिर से नीतीश राणा बैटिंग करेंगे। नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर दिखेंगे। इन दोनों बल्लेबाजों को पिछले मैच में स्टार्ट तो मिला था, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस मैच में दोनों खिलाड़ियों पर नजरें रहने वाली हैं। नंबर 5 पर सैम बिलिंग्स और नंबर 6 पर आंद्रे रसेल होंगे। पिछले मैच में रसेल को बैटिंग का मौका नहीं मिला, गेंदबाजी जरूर की थी, जिसमें वे 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट चटका पाए। नंबर 7 पर सेल्डन जैक्सन की जगह एक एक्स्ट्रा पेसर टिम साउदी को केकेआर मौका दे सकती है। टिम साउदी के आने से केकेआर की बॉलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, हालांकि केकेआर शायद ही ऐसा करे। उसके बाद नंबर 8 पर सुनील नारायण होंगे। नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती होंगे। इन दोनों स्पिन गेंदबाजों ने सीएसके के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी, इन दोनों की वजह से केकेआर की स्पिन बॉलिंग बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद नंबर 10 पर उमेश यादव और 11वें नंबर पर शिवम माबी होंगे। उमेश यादव ने सीएसके के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट निकालकर केकेआर की टीम में अपनी शानदार वापसी की और केकेआर की प्लेइंग 11 में भी अपनी जगह पक्की की। शिवम माबी जरूर फ्लॉप रहे थे, हालांकि केकेआर केवल एक मैच को देखकर उन्हें बाहर नहीं करेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 के छठवें मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आपके हिसाब से दोनों ही टीमों को किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आईपीएल 2022 से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।